मुन्ना और रिया के साथ रहता है। चारों का परिवार अच्छा खासा खुशहाल चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी पारो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कुंदन की जिंदगी तो जैसे वीरान हो गई, बच्चे भी बहुत दुखी रहने लगे। इसी तरह देखते देखते एक साल बीत गया। एक दिन कुंदन का मित्र उनसे मिलने आया। अरे कुंदन, तुम इन बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो, कम से कम बच्चों की ठीक से परवरिश तो हो जाएगी। मित्र के बार बार समझाने पर कुंदन तैयार हो जाता है। नई माँ रूपा शुरू में बच्चों और कुंदन का बहुत ख्याल रखती है, पर 6-7 महीने बाद ही वो कुंदन के जाने के बाद आराम से सो जाती। और जब मुन्ना और रिया स्कूल से आते तो, ए रिया, जल्दी से पूरे घर की सफाई कर और बर्तन धो दे, तभी खाना मिलेगा। और मुन्ना, जाकर छत की धुलाई कर। वो बच्चों से ही घर का सारा काम करवाती है, उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देती। खुद के लिए और कुंदन के लिए वो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती। जब रात को कुंदन काम से वापस आता तो, अरे बच्चों ने खाना खा लिया? उनको तो मैंने कब का खिला पिलाकर सोने भेज दिया है। कितना ख्याल रखती है ये बच्चों का। एक दिन जब रूपा सो रही थी, मुन्ना देखता है कि रसोई की अलमारी में मिठाई रखी है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो वो अपनी बहन को बुलाकर लाता है। मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़कर वो मिठाई उतार दो। उन्होंने मिठाई उतारी और खा ली। अचानक मिठाई का डिब्बा रिया के हाथ से नीचे गिर जाता है और बिखर जाता है। आवाज सुनकर रूपा भागते हुए आती है। उसने आओ देखा न ताव और दोनों की खूब पिटाई कर दी। जब देखो तब भूखे ही रहते हैं ये बच्चे, न जाने इनका पेट है कि कुआं। बच्चे खूब देर तक रोते रहते हैं, लेकिन फिर आपस में ही बातें और मजाक करके एक दूसरे का मन बहलाने लगते हैं। रिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो एक मिठाई की दुकान खोल लूंगा। पहले हम लोग खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे और फिर बेचेंगे। मुन्ना, मेरी तो शादी हो जाएगी, तुम अकेले ही सारी मिठाइयाँ खाओगे ना? अरे हारे, तब तक तो मेरी भी शादी हो जाएगी। कुंदन जब घर आता है तब उसकी माँ बच्चों की खूब शिकायत करती है। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना ध्यान रखती है, आखिर क्या कमी है तुम दोनों को? पिताजी, उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि, हाँ हाँ कह दो कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती, सारे दिन घर के काम करवाती हूँ, कह दो ना। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहता है। अब तो हम दोनों को पिताजी से बात भी नहीं करने देती, नहीं माँ। मुन्ना और रिया बहुत दुखी होते हैं। रात को, इन बच्चों ने नाक में दम कर दिया है, तुम इन्हें लेकर जाओ और कहीं जंगल में छोड़कर आओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम, ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा। कुंदन को बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता, तब उसे एक उपाय सूझता है। कुछ दिनों तक वो बच्चों के साथ खूब अच्छे व्यवहार का नाटक करती है, बच्चे खूब खुश रहते हैं। एक दिन, सुनो जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है। रूपा बहुत खुश होती है, वो सोचती है कि ये तो बच्चों को जंगल में छोड़कर आने से रहा, मैं ही इन्हें छोड़ आती हूँ कुंदन के जाने के बाद। बच्चे चलो, आज हम तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। बहुत देर तक चलते चलते जब वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब, माँ इधर का नानी का घर है, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। अच्छा तुम लोग यहीं रुको, मैं रास्ता पूछकर थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, ये कहकर रूपा उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। बहुत देर हो जाती है और रूपा वापस नहीं आती तो, माँ कब आएगी भैया? इस तरह सुबह से शाम हो जाती है। जहाँ एक तरफ बच्चे जंगल में अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूपा घर में आराम से बैठी थी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद कुंदन जब घर वापस आता है तो, बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें जंगल में छोड़ आई। ये तुमने क्या किया रूपा, बच्चे बेचारे जंगल में अकेले कहाँ भटक रहे होंगे, क्या किया तुमने ये? देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है ना, तो जाओ तुम और उन्हें ढूंढते रहो। कुंदन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता।
कुंदन बहुत दुखी होता है। अब वो हर रोज काम पर जाने के बहाने जंगल में बच्चों को ढूंढता हुआ भटकता रहता है। रूपा के जाने के बाद बच्चे रोते रोते आगे बढ़ने लगते हैं। माँ बड़ी चालाकी से हमें जंगल में छोड़कर चली गई। अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। अब तो अंधेरा भी घिर रहा है। आगे जाते ही उनको एक झोपड़ी दिखती है। बच्चों को थोड़ी आशा बनती है। दोनों भागते भागते वहां पहुंचते हैं और झांक कर अंदर देखते हैं तो एक बुढ़िया चरखे पर सूत कात रही थी। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे। अंदर का माहौल बड़ा डरावना लगता है, पर बच्चों को तो कोई आसरा चाहिए था। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया पीछे मुड़ती है। बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं, उनके शरीर के अंदर भय से एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखें सुर्ख लाल और बाल भी अस्त व्यस्त। जैसे ही उसकी नजर मुन्ना और रिया पर पड़ती है, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो बड़ी प्रसन्न होकर कहती है, आओ आओ बच्चे, मैं तुम्हारी दादी जैसी ही तो हूँ, आ जाओ। बच्चों को प्यार से वो घर के अंदर बुलाती है। बच्चों के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, फल और बिस्किट ले आती है। बच्चे तो पहले से ही भूखे थे। वे खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। उनका सारा डर भी दूर हो जाता है। वो खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो, बच्चे हम घर के पीछे वाले बगीचे में चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। मुन्ना और रिया वहीं खेलने लगते हैं। बुढ़िया अंदर चली जाती है। तब तक मुन्ना की नज़र एक गिलहरे पर पड़ती है जो एक कोने में दुबकी हुई थी। मुन्ना उसे प्यार से अपने हाथ में उठा लेता है। तभी गिलहरी इंसानों की आवाज़ में बोलती है, बच्चों तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, ये बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल है। तुम्हें खिला पिला कर पहले मोटा करेगी, फिर पिंजरे में डाल देगी। सभी बच्चों को ये जादुई छड़ी से पशु पक्षी बनाकर बगीचे में रख देती है। एक एक करके अपनी जादू की छड़ी से सबको बेहोश कर देती है और कड़ाहे में तेल गरम करके पकौड़े बनाकर खा जाती है। इसके पास एक आदमकद का पिंजरा है, ये खुद उसकी सफाई करती है। ये कहकर गिलहरी जमीन पर कूद जाती है। जब दोनों घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया पिंजरे की सफाई कर रही थी और उसके मुंह पर खून लगा था। बच्चों को देखते ही अपना मुंह पोंछने लगती है वो। रिया चारों तरफ जादू की छड़ी ढूंढने के लिए नजर दौड़ाने लगती है। अचानक उसे जादू की छड़ी दिखाई देती है और वो दोनों लपट कर वो छड़ी उठा लेते हैं। जादुई छड़ी, पिंजरा बंद कर दो। पिंजरा बंद हो जाता है। पिंजरा बंद होते ही वो बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है और चीखने लगती है, दादी आज तुम भी पिंजरे में बंद होने का मजा उठा लो ना। दोनों हंसते हैं। दादी दादी, यही वो जादुई छड़ी है ना, जिससे तुम सब बच्चों को चूहा, बिल्ली और गिलहरी बनाती हो। बोलो तुमको क्या बनना है? मुझे बाहर निकाल, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। छड़ी मेरे हवाले कर दे। दादी पिंजरे में कुछ खाने को दो, ये लो। तब तक आम की गुठलियां चूसो, इनमें अभी भी बहुत रस बचा है। दोनों आम की ढेर सारी गुठलियां पिंजरे में फेंक देते हैं। एक बार मैं बाहर आ जाऊं ना, तुम दोनों के पकौड़े बनाकर चबा जाऊंगी। जे काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बना दो। जादुई छड़ी, एक बड़े से कढ़ाई में तेल गरम कर दो। जादुई छड़ी चुड़ैल को मछली बना देती है। दोनों उसे उठाकर एक बाल्टी में डाल देते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा होता है। मुन्ना और रिया दौड़कर बगीचे में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी होते हैं। जादुई छड़ी, इन सारे लोगों को इनके असली रूप में बदल दो। तभी सारे जानवर और पक्षी बच्चों में बदल जाते हैं। सब कमरे में आ जाते हैं। हमें इस चुड़ैल ने बहुत तड़पाया है, चलो आज इसको मजा चखाते हैं। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को पिंजरे में डालकर फिर चुड़ैल बना दो। पिंजरे में कैद होकर चुड़ैल फिर चिल्लाने लगती है, ये सारे के सारे शैतान कैसे यहाँ आ गए? जैसे तुम पिंजरे में बंद हो गई, वैसे ही हम सब भी यहाँ आ गए।
सभी बच्चों ने पिंजरे में ठंडा ठंडा पानी फेंकना शुरू कर दिया। चिड़ैल पहले तुम नहा लो, फिर हम तुम्हें मछली बनाकर पकौड़े बनाकर खा जाएंगे। सभी बच्चे ताली बजाकर खूब हंसते हैं। बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, एक बार मुझे पिंजरे से निकाल दो। दोस्तों क्या हमें इस चुड़ैल की चिकनी चुपड़ी बातों में आना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मुन्ना जोर से छड़ी फटकारता है। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बनाकर कढ़ाई में डाल दो। मछली की कढ़ाई में गिरते ही बहुत तेज आवाज होती है, जैसे कहीं बिजली चमकी हो। सभी बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मछली का आकार बहुत बड़ी सी चुड़ैल का हो जाता है। वो बार बार कढ़ाई से निकलने की कोशिश करती है। सभी बच्चे मिलकर उसे फिर कढ़ाई में ढकेल देते हैं। अंत में वो गर्म तेल में जलकर मर जाती है। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। मुन्ना जादू की छड़ी की सहायता से सभी बच्चों के साथ शहर आ जाता है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तब पिताजी हम आ गए। कुंदन उनकी आवाज सुनते ही भागता हुआ आता है। बच्चों को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। पिताजी आप रोइए मत, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। मुन्ना कुंदन को सारी बात बताता है। जादुई छड़ी पाकर उनके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अब तो नई माँ भी उनको प्यार करने लगती है।